तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया, जहां भी देखा मैंने तिरंगा सलाम के लिए हाथ खुद ब खुद उठ गया, हाथ खुद ब खुद उठ गया। ये संसद का नया भवन है, गज द्वार पर तिरंगा लहराया और भारत एक युग के बदलाव का गवाह बन गया। उनतीस महीने में तैयार हुआ ये भवन सिर्फ इमारत नहीं, 140 करोड़ भारतीयों के लिए लोकतांत्रिक आस्था का मंदिर, जिसमें दुनिया भारत की शक्ति और विकास की नई उपलब्धि देख रही है। नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। 64,500 वर्ग मीटर में बने इस नए संसद भवन की दीवारें 19 सितंबर से सत्ता और विपक्ष का सबसे बड़ा मुकाबला देखें, क्योंकि 18 सितंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में हो, 19 सितंबर को आधे दिन के बाद अखाड़ा बदल जाएगा। सवाल है कि संसद के विशेष सत्र में आखिर क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी की घेरेबंदी के लिए विपक्ष ने कौन सा प्लान बनाया है, विपक्ष की काट निकालने के लिए बीजेपी ने कौन सी रणनीति तैयार की है? हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का एजेंडा बता दें। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विशेष सत्र में संसदीय यात्रा के 75 साल, चंद्रयान 3 की सफलता, G20 के सफल आयोजन और आजादी का अमृतकाल, इन चार मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसद के विशेष सत्र में प्रश्नकाल भले नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार की मंशा पर लगातार प्रश्न उठा रहा है। सरकार पर असली मुद्दों से भागने का आरोप लगा रही कांग्रेस, संसद में मौजूदा आर्थिक स्थिति, मणिपुर की हिंसा, संघीय ढांचे पर हमला, चीन की आक्रामक नीति, अडानी के मुद्दे पर JPC, सांप्रदायिक तनाव समेत अपनी पसंद के 9 मुद्दों पर चर्चा की जिद पर अड़ी हुई। इंडिया अलायंस का कहना है कि जब तक विपक्ष के मुद्दों पर बात नहीं होगी, तब तक सरकार की तरफ से रखे गए मुद्दों पर भी चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा संसद में जो 4 बिल पेश किए जाने हैं, उनमें से CEC एंड अदर ईसे बिल 2023 को लेकर भी इंडिया अलायंस ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली। इस विरोध की वजह जानने से पहले समझ लीजिए कि CEC एंड अदर ईसी बिल 2023 क्या है। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाया जा रहा है। इसके जरिए चुनाव आयुक्तों के चुनाव का तरीका तय किया जाना है। इसके मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होंगे, ये 3 लोग प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री होंगे। विपक्ष को बिल के इसी प्रावधान पर सबसे ज्यादा ऐतराज है, वो सिलेक्शन कमेटी में कैबिनेट मंत्री की जगह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवर कड़े हैं। विपक्ष मजबूत होने की कोशिश करता है और उसको करना भी चाहिए, लोकतंत्र में करना चाहिए, लेकिन शायद विपक्ष जिसको कहते हैं ना कि उस पिच पर जाकर खेल रहा है जहां नरेंद्र मोदी, उनके लिए वो फुल टॉस बॉल हो जाती है और वो सीधे वो बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। सवाल यह है कि स्पेशल सेशन को लेकर विपक्ष का विरोध और सदन में सरकार की घेरेबंदी की तैयारी सिर्फ सियासी मुद्दों को लेकर की जा रही है या वजह कुछ और है। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया गया, उस दिन सावरकर की 140वीं जयंती थी। 17 सितंबर को नए संसद भवन पर तिरंगा लहराया गया, ये प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। 19 सितंबर को कामकाज नए संसद भवन में शिफ्ट होगा, उस दिन गणेश चतुर्थी। बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, जिसके दम पर बीजेपी अपने भगवा राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है। ये अलग बात है कि इस बारे में कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जिस राजनीतिक धारा से वो आते हैं, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की विचारधारा की धारा है। नरेंद्र मोदी जी उसी विचारधारा से उन्होंने अपनी राजनीति की यात्रा शुरू की है, क्योंकि संघ के विचारधारा में और दर्शन में और उनके उसकी वैचारिक प्रवाह में प्राचीन भारत का जो गौरव है वो ज्यादा रेखांकित होता है। इंडिया अलायंस 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की तैयारी में जुटा। चुनाव 6 महीने बाद है, लेकिन ये गठबंधन मतभेदों से उबर नहीं पाया है। विपक्षी अलायंस अभी तक ना अपना लीडर चुन पाया है
न सीट शेयरिंग पर कोई फैसले तक पहुंच पाया। कांग्रेस इंडिया अलायंस का मेन कंपोनेंट है, लेकिन गठबंधन में शामिल छोटे दलों की महत्वाकांक्षा भी कम नहीं है। नीतीश कुमार इस देश का अगला प्रधानमंत्री है, देश टकटकी लगा करके नीतीश कुमार जी के ऊपर देख रहा है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बुनियाद रखने वाले नीतीश कुमार खुद ही गठबंधन से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया अलायंस से बाहर बैठी बीआरएस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने का भी हिंट दे दिया है। इंडिया अलायंस भले ही संसद में मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा हो, स्पेशल सेशन को भले ही मोदी की चुनावी चाल बता रहा हो, लेकिन देश की चुनावी राजनीति को समझने वाले मान रहे हैं कि विपक्ष का मोदी विरोधी दांव कहीं मोदी का ही काम तो आसान नहीं कर देगा।